नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुल किदमान सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि श्रीम मंत्र क्यों इतना प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। दोस्तों आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी श्रीम मंत्र की, और अक्सर धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र को किया जाता है। दोस्तों ये मंत्र इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि शायद ही कोई मंत्र इतना इफेक्टिव हो जितना ये है, अगर आपको धन प्राप्ति करनी है तो। नियमित रूप से आप श्रीम 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 जितना ज़्यादा आप चैंट करोगे आपको लाभ होगा। क्यों होता है इस मंत्र से लाभ, क्यों इससे आपको फ़ायदा होता है, इंस्टेंटली होता है, क्यों होता है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। श्रीम का मतलब होता है लक्ष्मी, और जब आप बार बार धन को, हमारे हिंदू धर्म में तो माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी को माता का स्थान दिया गया, वो एक माँ के रूप में हमें धन देती हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं ताकि हम सुकून से इस धरती पर रह सकें। और चाहे हम स्वर्ण की बात करें, सोने की बात करें, चांदी की बात करें, धन की बात करें, सौभाग्य की बात करें, अपने जीवन में खुशियों की बात करें, हमार को माता की कृपा मिलती है। तो जब आप बार बार श्रीम बोलोगे तो आप बार बार लक्ष्मी बोल रहे हो, आप माता को भी बुला रहे हो, और अगर जो लक्ष्मी का दूसरा रूप जो पैसे को माना जाता है, धन को माना जाता है, आप उसको भी पुकार रहे हो, तो यूनिवर्स में आप एक पॉजिटिव चीज़ बोल रहे हो। बार 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 आप यूनिवर्स में अपनी ऊर्जा भेज रहे हो, और बार बार अगर आप बोल रहे हो श्रीम श्रीम श्रीम, ये बीज मंत्र है। और नॉर्मल अवस्था में भी हमेशा ये देखा गया है कि एक पूरे मंत्र से ज़्यादा पावरफुल बीज मंत्र होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप श्रीम बोल रहे हो उतना ज़्यादा आप लक्ष्मी 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 पुकार रहे हो। तो यहाँ पे दोनों जो है चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, पहला आप माता को भी पुकार रहे हो, दूसरा आप जो लक्ष्मी का रूप है, धन है, उसको भी आप पुकार रहे हो। और जब आप बार 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 इसको बोलते रहोगे तो यूनिवर्स में वो चीज़ बार बार जा रही है, और जब वो जा रही है तो वो लौट के भी आ रही है। कहते हैं ना, इसीलिए नेगेटिविटी आप बोलते हो तो नेगेटिविटी आपके पास आती है, पॉजिटिविटी बोलते हो तो पॉजिटिविटी आती है। तो आप के मन में कोई भी विचार आए, गलत विचार लाने की बजाय, या किसी के प्रति नफरत लाने की बजाय, या किसी के प्रति कुढ़ने की बजाय, किसी को गाली देने की बजाय, किसी का बुरा सोच के बुरा बोलने की बजाय, अगर आप हर वक्त दिन रात श्रीम 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 बोलते रहो, और मुँह से नहीं बोलना, मन में मानसिक जाप कर लो, मन में बोलते रहो श्रीम श्रीम श्रीम, यकीन मानिए कोई ना कोई वे में आपको धन की प्राप्ति होगी। और कुछ नहीं, अगर धन की प्राप्ति भी नहीं हुई तो आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा। बहुत लोगों का पैसा बर्बाद होता रहता है बेकार की चीज़ों में, बरकत नहीं होती, पैसे की बचत नहीं होती, लॉसेस में पैसा जाता है, ऐसी चीज़ों में लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ से रिटर्न नहीं आनी, या गलत खर्चे हो जाते हैं, या चीज़ कोई ख़रीद ली वो यूज़ नहीं आई, तो वो सब जो खर्चे हैं, जो ऊटपटांग होते हैं, उस पर भी रोक लग जाती है, उस पर भी आपका बचाव होता है, और ऑटोमेटिकली वो अपने आप में गेन है, वो अपने आप में कमाई है। अगर आपका खर्चा ऊटपटांग चीज़ों पर होना बंद हो रहा है और बचत हो रही है तो वो भी कमाई है। तो रेगुलरली इस मंत्र का जाप करें, आप किसी भी धर्म के हैं ये मैटर नहीं करता। धन ऐसी चीज़ है जो हर एक को चाहिए, बिना धन के गुजारा किसी का नहीं चल सकता इस दुनिया में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, भगवान के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ धन है इस जीवन को चलाने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करें, कोशिश करें नॉर्थ डायरेक्शन में आप अपना मुंह करें, फेसिंग करें, या आपका कोई भी रूम नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता हो वहाँ पे जाप करें। वहाँ पे आप अपना घर में मंदिर भी बना सकते हैं, वहाँ पे जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं करें। आप हल्की सुगंध का प्रयोग करें, गुलाब की सुगंध हो और या चंदन की सुगंध हो, और बहुत हल्की, जो नेगेटिविटी के पेशेंट हैं वो अवॉइड करें, अदरवाइज़ जो नॉर्मल उसमें लोग ठीक हैं वो थोड़ी सी सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं। और सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, ये आपको हमेशा लाभ देगा। और जितना हो सकता है घर में फ्रेश फ्लावर्स ला के रखें, ताज़े फूल रखें, घर में ज़्यादा ज़्यादा फूल आप रखें, सफ़ेद मिठाई लोगों में बांटें, और घर को और अपने शरीर को साफ़ रखें, किसी भी तरीके की गंदगी घर में ना जमा होने दें, और अपने रेगुलरली नहाया करें, नहा धो के पाठ करें। एंड लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिवाली पे माता की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है, आपको इस मंत्र को हर वक्त करना है, हर रोज़ करना है।
इतना करना है कि सोते हुए भी आपके दिमाग में ये मंत्र चलता रहे, आपको कहाँ से धन आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही वो बिक जाएगी, पैसे आ गए, कहीं पैसे अटके हुए थे वहाँ से आ गए, कोई लोन नहीं उतर रहा था लोन उतर गया, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होता रहेगा। तो इस मंत्र का जाप करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं, माता की प्रतिमा के सामने भी कर सकते हैं, और अगर प्रतिमा नहीं है तो माता का ध्यान मन में करके भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जाप करेंगे फ़ायदा मिलेगा, उठते बैठते चलते फिरते इस मंत्र को पकड़ लो। अगर धन की आपको कमी महसूस होती है तो सिर्फ श्रीम आपको बोलना है और कुछ नहीं बोलना, और इमेजिन कीजिए। चाहे आप मैनिफेस्ट करते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं, धन को इमेजिन कर सकते हैं, सोने को इमेजिन कर सकते हैं, मनी को इमेजिन कर सकते हैं, उसकी इमेज को। अब जैसे 2000 के नोट बंद हो गए तो उसको इमेजिन नहीं करना आपने, आपने इमेजिन करना है 500 रुपये के नोट को, क्योंकि जो चीज़ वर्क में है, जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो सकती है उसको इमेजिन करो। आप सोने चांदी को इमेजिन कर सकते हैं, मतलब एसेट्स को इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास कोई अच्छी गाड़ी आ गई है या अच्छे कपड़े आ गए हैं, आपका घर सुंदर हो गया है, आपके पास कुछ ना कुछ जो भी चीज़ों की कमी है उसको इमेजिन करते हुए भी आप श्री मंत्र बोलेंगे तो कोई ना कोई वे आउट बनेगा, कोई ना कोई तरीका बनेगा जिससे आप उस चीज़ को पोजेस कर पाएंगे, उसको ले पाएंगे, खरीद पाएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। बाकी आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति ध्वनि जलाते हुए भी श्री मंत्र का जाप करें, इससे रिजल्ट्स और भी ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारी ध्वनि इटसेल्फ मैनिफेस्टेशन करती है, और जब आप इस मंत्र का भी जाप करेंगे, माता लक्ष्मी को पुकारेंगे, तो भी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और ध्वनि भी सहारा लगाएगी। तो इसी तरह प्यार देते रहिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और ध्वनि के लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।